वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप ज़ोर शोर से एम पी टी की तैयारी कर रहे होंगे अच्छा डेफिनेटली इफ़ सम कैंडिडेट्स पास दिस एग्ज़ाम तो इन शाला तल वो लोग फ़ाइनल में जो रिटन एग्ज़ाम है उस, उसके लिए क्वालिफ़ाई करेंगे एंड आई विश है वेरी गुड लक अल्लाह करे आप सब उसको क्वालिफाई कर जाएँ खैर अभी हम पढ़े हैं फिलॉसफी उसका एक क्विक ओवरव्यू लेंगे जितने भी हमारे पास सो फार so हमने पढ़े हैं ठीक है वेस्टर्न फिलोसोफर्स हम पहले उनको एक वीडियो में कवर करेंगे जितने फिलोसॉफिकल मेथड्स थे हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे ठीक है अब अब मैं किस तरह uh, क्योंकि ठीक है मैंने पहले एक एक एक, एक वीडियो सब पे बनाई थी बट स्टिल देर वर कैंडिडेट्स जिनके थोड़े बहुत क्यूरीज थे क्वेश्चंस थे एंड सेकेंडली फ़िलासफ़ी एक वो सब्जेक्ट है जो कि आपको अगर कोई पढ़ा नहीं रहा या आप अगर आप ख़ुद इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो ये समझ में नहीं आएगा इट्स अ बिट टेक्निकल या आप कह लें कि थोड़ा सा लॉजिकल सब्जेक्ट है थोड़ा सा बोरिंग भी कभी कभी हो जाता है बट इट ऑल एंड्स अप टू कि आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग सम लॉजिक्स और आपको एक अंदर से होता है ना कि आपका दिल करता है पढ़ने को कि जी अच्छा ये क्या कह रहा था वो लाइफ के बारे में क्या कह रहा था उसकी फ़िलोसफी क्या थी अगर आप थोड़े से फिलोसॉफिकल ख़ुद हैं तो आपको ये सब्जेक्ट ईजी लगेगा या समझने में आसानी होगी लेकिन लेकिन मैं आपको ये बता दूं क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं जस्ट बिकॉज़ ये थोड़ा सा लॉजिकल सब्जेक्ट एंड एवरीबडी डज नॉट लाइक लॉजिक तो ये क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट बनता है कैसे कि जब आ नॉर्मली स्कोरिंग कैसे ट्रेंड बनता है स्कोरिंग ट्रेंड ऐसे बनता है जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लोग ऑप्ट करते हैं उसका स्कोर ऑटोमेटिकली गिरेगा जैसे आप लोगों ने देखा है जेंडर स्टडीज़ या यू हिस्ट्री इन दोनों में क्यों ज़्यादा हिट मिलती है जस्ट बिकॉज ये बहुत लोग ऑप्ट करते हैं ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ द पाकिस्तान ऑप्ट सब्जेक्ट सो इस वजह से होता है अब फिलासफ़ी में बहुत कम सब बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं सब्जेक्ट को क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है बट एक्चुअली नहीं है ऑनेस्टली नहीं है ये सब्जेक्ट बहुत मज़े का है इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं आपने पास्ट पेपर देखना है उसके बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं अच्छा मैं अब आपको इसमें बहुत सारी साथ साथ टिप्स भी देती रहूँगी तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा ठीक है और हम ये भी देखेंगे कि पास्ट पेपर्स में कौन से क्वेश्चंस आए किस तरह का इसका ट्रेंड बनता है किस तरह ये फॉलो किया जाता है अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जी फिलॉसफी में क्या चीज़ें हैं पास्ट पेपर्स आप ज़रूर देखिएगा एटलीस्ट एटलीस्ट फाइव टू सेवन ईयर्स के पास पेपर ज़रूर देखें उससे ये होता है रिपीटिटिव क्वेश्चन आते हैं ठीक है कुछ रिपीटेशन हुई होती है आप इवन एस में भी देखें ना तो एस में भी जो ट्वेंटी का एस था ना वो लिटरेचर वाला वो हमारे पास मेरे ख्याल से कोई ट्वेंटी या उससे पहले किसी एक पेपर में आया है तो इस तरह आप क्या करते हैं जब आप पास्ट पेपर्स को प्रॉपरली तैयार कर लेते हैं विच मीन्स आपका पूरा पेपर रेडी है अब इसमें से कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन आ गया गुड लक फॉर यू नहीं आया तो भी आपका पेपर तो रेडी है वही सिलेबस है कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी नहीं आया इवन पोलिटिकल साइंस में ट्वेंटी ट्वेंटी में जो हेगेलियन का क्वेश्चन था वही ट्वेंटी नाइनटीन में आया सो so, अगर जिसने पास्ट पेपर्स रेडी किए हुए हैं उसको पता है कि ये वाला क्वेश्चन है वही अगर आ गया तो उसका तो वो हो गया ट्वेंटी मार्क्स इज़ ए ह्यूज स्कोर और ये ट्वेंटी मार्क्स अगर आपको मिल जाते हैं ट्वेंटी पूरे नहीं भी फिफ्टीन मार्क्स भी मिल जाते हैं ट्वेल्व मार्क्स भी मिल जाते हैं तो इट्स अ गुड स्कोर अच्छा चलें अब हम देखते हैं कि इसमें हम मैं आपको बताऊँगी पे, पास्ट पेपर्स को कैसे तैयार करना है किस तरह अच्छा फिलॉसफी नॉर्मली क्योंकि ये एक बड़ा डिफरेंट सा सब्जेक्ट है ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है बट मैं इसको बाकी सब्जेक्ट्स की तरह लेती हूँ हर बंदे का अपना एक तरीका होता है बट आई फील लाइक इट्स जस्ट सिमिलर टू अदर सब्जेक्ट्स आपने कुछ चीज़ें करनी है मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम फिलोसफी को पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करें हमें कुछ टिप्स बताएं या हम किस तरह हम पढ़ें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी डू नाट गो टू एनी बुक्स do नॉट रेफर any बुक्स क्योंकि बुक्स को आप जब पहली बार में पढ़ने लगेंगे आप वो कभी भी समझ नहीं आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कुछ चीज़ें देखनी है ठीक है आपने क्या करना है पहले आपने सबसे पहले सिलेबस चेक करना है ठीक है अब जो सलेबस आपने ले क्योंकि देखें अभी भी इवन इफ इट्स फेबररी अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव पेपर की ठीक है मार्च अप्रैल मे मे में आएगा इस दोबारा फाइनल एग्जामों का तीन महीने हैं अभी तो खैर ये वो टाइम है कि आप कोई रिव्यू करें एक बार रिविजन करें बट चलो जो अभी नहीं कर रहे जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे जो नेक्स्ट ईयर करेंगे तो उनके पास दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपने क्या करना है किसी भी पेपर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखें ठीक है एक बार नहीं दस बार उस आप उसका सिलेबस देखें उसको क्विकली और थॉर्ली आप उसमें एक एक चीज़ देखें कुछ चीज़ें हमें उसको देख के ना कुछ बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फिलोसफी का बताती हूँ कि इसमें इसके सिलेबस में हमारे पास पहले सेवन पॉइंट्स आते हैं ठीक है हमें लगता है जिस पढ़ा और लिटरली इसका शॉर्ट सा सिलेबस uh, है कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है अब इसमें क्या है कि फ़र्स्ट हमारे पास इंट्रो का आता है जिसमें हमें डेफिनेशन चाहिए नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलासफ़ी ठीक है ये कोई इतनी थेरी वाली बात है कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें सेकेंड हमारे पास आ रहा था फिलोसॉफिकल मैथ जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हमारे पास पांच फिलोसॉफिकल मेथड्स हैं ठीक है थीके? ये फिलोसॉफिकल मेथड्स आएंगे इसके अंदर फिर आपके पास दो दो तीन तीन फिलोसफर्स आ रहे हैं वो फिर थोड़ा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता लेकिन घबराना नहीं है इसको चीज़ों को ईजी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके चलते हैं ठीक है पाँच मैथड्स आ रहे हैं हर एक में एक या दो दो या तीन तीन ठीक है इसमें मोस्टली दो दो फिलोसफर्स हैं विच मेक्स एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फ़ बन गए ठीक है अब आपको लगेगा इसमें सात फ़िलासफ़र्स हैं आगे चार पांच और फ़िलासफ़र्स हैं तो उसमें एक कोई टेन टवेल्व या फिफ्टीन फिलासफ़र तो ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है ऐसी लिटरली कोई बात नहीं है आप एक फ़िलासफ़र पढ़ेंगे तो उसकी आपको फिलोसॉफिकल मेथड भी समझ आ जाएगा उसकी पेस्टोमोलॉजी भी समझ आ जाएगी उसकी ऑन्टोलॉजी है तो वो भी समझ में आ जाएगी उसके एथिक्स भी समझ में आ जाएगा मामला ख़त्म हो गया ना आपने एक फिलोसोफर को पढ़ा आप उसको एक को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ बाकी चीज़ें भी कवर हो रही हैं तो मैं लेटर ऑन बताऊँगी कैसे पढ़ना है सिलेबस देख लिया आपने ठीक है अपेस्टोमोलोजी अपेस्टोमोलोजी में हमारे पास फर्दर चीज़ें आ जाती हैं ठीक है जिसमें हमारे पास रैशनलिज़म आ जाता है हमारे पास आ जाता है इसमें एम्पेसिजम आ जाता है ट्रांसेंडेंटलिज्म आ जाता है ठीक है इसकी स्पेलिंग्स देख लीजिएगा और इंट्यूशनिज्म आ जाता है ये चार हो गए ना चार इसमें आ गए हैं ठीक है देन देर कम्स ऑनटॉलॉजी उसमें हमारे पास आ जाता है आइडियलिज्म रिप्रजेंटेटिव रियलिज्म एंड मटीरियलिज्म या हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म ठीक है पहले तो आपने कोर्स को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि ये ये इसमें टॉपिक्स आ रहे हैं और ये ये इसके सब टॉपिक्स हैं वंस यू हैव ब्रोकन दिस डाउन आपके लिए चीज़ें पढ़ना और समझना आसान हो जाती हैं ना इफ़ यू टॉक अबाउट फिलोसॉफिकल मेथड्स हम पहला टॉपिक छोड़ रहे हैं उसको हम अगेन किसी दिन जो है कवर करेंगे और फिर उसको भी क्योंकि इट्स ऑल थेरी एक सवाल आता ही आता है आप पास्ट पेपर्स में भी देखेंगे तो उसमें एक सवाल आता ही आता है तो वो आप चाहें तो उसी को प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डेफिनेशन और सारा थेरी में लाइक इट्स क्वाइट थेराटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन और बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है चीज़ों को बट इट्स नॉट काइंड ऑफ एनी टेक्निकल थिंग रट्टा वाला सीन है सारा तो आप उसको एक बार खुद से पढ़ लें तो भी वो रट्टा लग जाए कहीं से भी कोई अच्छा मटेरियल आपको मिलता है तो आप वो देख लें अच्छा पहले तो आपने सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लिया आपको पता लगे कि ये चीज़ें आ रही हैं ठीक है देन यू कैन गो फॉर पास्ट पेपर्स ठीक है फाइव टू सेवन ईयर्स के पास्ट पेपर्स को ज़रूर देखना है क्योंकि इनके सवाल जो हैं वही मोरलेस देखें फिलॉसफी हो पॉलिटिकल साइंस हो आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ हो आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ हो आपके पास एनी अदर सब्जेक्ट वो वाले सब्जेक्ट्स जो के आ, चेंज नहीं हो रहे जिनका कोर्स चेंज नहीं हो रहा डे टू डे से फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस ये करंटली और करंट डे टू डे अफेयर्स पे चेंज हो रहा है ठीक है जेंडर स्टडीज़ है तो वो भी थोड़ा सा उसमें मैनीपलेट uh, वो उसको करेंगे थोड़ा सा उसमें नई चीज़ें आएंगी मॉडिफाई होगा पाकिस्तान स्टडीज़ में मोस्टली मोस्टली uh, एक प्री जो प्री पार्टीशन टाइम है वो वाला वो उसमें चेंजिंग नहीं आएगी बट जो पोस्ट पार्टीशन है या फिर अभी जो करंटली जैसा कश्मीर इशू आ जाता है अफगान इशू आ जाता है तो दीज आर द इश्यूज जो कि करंटली चल रहे हैं तो आपको इनको पढ़ना ज़रूरी है करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक्स जो है ना वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं क्योंकि वो अगर पेपर में आते हैं तो वो किसी भी पेपर में आ सकते हैं उसमें लेकिन अब आपको देखें फ़िलासफ़ी मैं क्यों कहती हूँ कि आप लोग रखें क्योंकि फ़िलासफी वही सब्जेक्ट्स हैं जो पुराने उसमें क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो पुराने हैं इसमें वो ये नहीं कहेंगे कि आज हम क्यों नहीं अरेस्टोटल को अप्लाई कर सकते या इन को हम क्यों नहीं लगा सकते वो इस तरह का को कोई सवाल नहीं पूछेंगे वो यही पूछेंगे कि इन था या वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इंट्यूशनिज्म इंटु, उस टाइम पे चल रहा था बी सी टू थाउजेंड बी सी गो अगर ये चल रहा था तो आजकल किस तरह का नहीं इस तरह का को कोई सवाल नहीं आएगा ठीक है वो सिर्फ़ फ़िलासफ़ी के रिगार्डिंग ही फ़िलासफे की फ़िलासफ़ी को ही लेकर सवाल करेंगे इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ये सब्जेक्ट रखें कि इसमें आपने करंट रिलेशंस के साथ करंट अफेयर्स के साथ इसको अप्लाई नहीं करना ठीक है आपको इसलिए आसानी होती है कि पुरानी चीज़ें चल रही हैं वही पढ़नी है ओके okay, सिलेबस हो गया पास पेपर्स हो गया जब आपने ये दोनों चीज़ें देख ली हैं ब्रेक डाउन कर लिया अब आप आएंगे एग्जैक्ट कोर्स की तरफ बुक्स को रिव्यू नहीं करना ठीक है थर्ड पे आपने क्या करना है कि एक एक टॉपिक उठाएं इंटरनेट पे उसको सर्च करें ठीक है किसी से बोरो करने की ज़रूरत नहीं है आपको नोट्स हर एक के नोट्स उसके अपने तरीके से उसकी समझ के अकॉर्डिंगली होते हैं आप किसी के आपको कभी भी किसी मेरा ख़ुद का मानना ये है आई और समवन एल्स नोट्स वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली है मुझे फिर वही समझ आएगा जो उस नोट्स में से मैं ग्रास्प करूँगी विच कुड बी हाफ ऑफ द नॉलेज जो कि मेरे लिए जो है सफिशेंट uh, ही नहीं है तो मैं मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि उसके बाद मेरे पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे जब तक मैं ख़ुद उस पर रिसर्च नहीं करूँगी जब तक मैं खुद उसको थॉरली समझूंगी नहीं तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे किसी के नॉलेज पे मैं कभी भी रिलाई नहीं कर सकती इसलिए मैं आप सबको ये कहती हूँ कि खुद से इंटरनेट सर्च करें खुद से नोट्स बनाएं हाँ आपको रेफरेंस के लिए नोट्स चाहिए दैट्स अन अदर थिंग रेफरेंस मिल जाए आपको थोड़ा सा पता लग जाए डायरेक्शन क्या है दैट्स दैट्स समथिंग एल्स बट आप उसी को कॉपी पेस्ट करें और उसी को रट्टे लगा लें और वही पेपर में जाके आउटपुट दें दिस इज़ नॉट ओके ये आपको बहुत लॉस होगा इसीलिए इस सब्जेक्ट में मार्क्स इस सब्जेक्ट में क्या किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आएंगे फिर लोग कहते हैं कि फ़िलोसफी मुश्किल थी तो उसमें मार्क्स नहीं आए नहीं उसका रीज़न ये है कि आप लोग दूसरों के नोट्स ले रहे हैं जब तक आप लोग दूसरों के नोट्स पर रिलाई करेंगे आपके मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे ठीक है इससे इंटरनेट सर्च से क्या होता है कि जो चीज़ आप समझेंगे आपको लॉन्ग लास्टिंगली वो समझ में रहेगी भूलेगी नहीं आपको ठीक है अच्छा ये चीज़ें करनी है फिर आप ख़ुद ही कोशिश करें कि अपने नोट्स बनाएं ठीक है क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मैंने लिंक्स पहले भी शेयर किए हुए हैं आपको अपने सी एस एस कोर्स में भी समझ में आ जाएगा दो लिंक्स हैं इसमें इंटरनेट लिंक्स वो भी हैं जिसमें स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी वाला और एक प्लेटो की प्लेटो डॉट समथिंग कुछ है तो ये जो दो लिंक्स हैं इंसाइक्लोपीडिया के ये दो लिंक्स हैं आप इनको फॉलो करें इसमें पढ़ें हाँ थोड़ी सी इंग्लिश मुश्किल है अगर आपको यहाँ से मुश्किल लग रहा है गो फॉर समथिंग एल्स इंटरनेट्स रिसर्च करें कुछ और देखें जो आपको ईजी लगे ठीक है उसके बाद आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें कोई वीडियो सुननी है वीडियो सुन लें जहाँ से आपको आसानी से समझ में आ सके अच्छा लेट्स कम टूअर्ड्स फिलोसॉफिकल मैथड्स इसमें अब ये फाइव मैथड्स हैं हमारे पास ठीक है सोक्रेटिक मैथड से हम स्टार्ट करेंगे सोकर्रेटिक मैथड हम इसको क्यों कहते हैं बिकॉज इट इट इज़ डराइव फ्राम सॉक्रटिस सॉक्रटिस का मैथड अब क्या था कि ही यूज टू डू क्वेश्चन आंसर दो हमारे पास ये वाला सॉक्रटिस के हमारे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ बुक्स और राइटिंग्स। इसके इसका डेटा हमारे पास बहुत मिनिमम है और हमें बल्कि इनफैक्ट है ही नहीं हमें सॉक्रटिस हमने सॉक्रटिस को कैसे जाना और समझा थ्रू प्लेटो प्लेटो की जो भी डायलॉग्स uh, थे क्वेश्चन आंसर्स थे जिसको हम आगे जाके डायलैक्टिक भी बोलते हैं ठीक है जो कि हेगल ने भी उसको अडॉप्ट किया तो सोक्रेटिस का मेथड यही था कि ही यूज़ टू क्वेश्चन क्वेश्चन अगैन एंड अगैन कि व्हाई डज दिस हैपन उसका कोई आंसर मिलता है तो उस पर फिर व्हाई 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 सो यूज़ टू आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चंस ताकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और हमारी एक्चुअल जो नॉलेज है उसको बिल्डअप कर सकें सो दैट वॉज काइंड ऑफ अ सोक्रेट अभी मैं सिर्फ छोटा छोटा करके इसको ब्रेक डाउन कर रही हूँ कि ये एक्चुअली में मैथड्स हैं क्या ठीक है अभी ये मैं एग्जैक्टली exactly पढ़ा नहीं रही और पूरा सा उनको समझा नहीं रही मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ ऑल राइट का मैथड ये था कि वो स्टूडेंट्स को उनकी करियासिटी को बढ़ाते थे ठीक है इन्हांस करते थे उनको इंगेज रखते थे ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो इस तरह नहीं कि वो बस पढ़ा देते थे ही डजेंट टीच ही एक्चुअली मेक द अदर पर्सन लर्न थिंगस उनमें वो चीज़ को आ, कहते हैं ना कि उसमें वो चीज़ को उभार रहे हैं वो आपके अंदर से वो फीलिंग ले कर आ रहे हैं आपको इतनी क्यूरसिटी आप में डेवलप करें कि आप खुद लड़ पढ़ना और लिखना और समझना चाह रहे हैं सो दिस इज वॉट सोक्रेटिक मैथड एक्चुअली या सोरेट इज यूज टू डू अच्छा नेक्स्ट इज इंडि मैथड अब ये दो अप्रोच है इंडक्टिव एंड डटि जिन्होंने रिसर्च की है उनको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि इंडक्टिव रिसर्च या डिडक्टिव मैथड ऑफ रीसर्च क्या होती है इंडक्टिव होती है इट्स बॉटम अप्रोच इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को एंड वी कम्स टूवर्ड्स एनी कंक्लूजन ठीक है इंडक्टिव वो होता है जैसे पहले आपके पास रॉम इन्फॉर्मेशन आपके पास कोई कंक्लूजन कोई फाइनल आउटपुट नहीं आई आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया और आप एक आउटपुट दे रहे हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी सोन्स देखे हैं एंड ऑल आर वाइट यू हैव हैव सीन सो मेनी वाइट सोन्स ये आपने ऑब्जर्वेशन किए एंड देन यू यू आर कंक्लूडिंग ऑल स्वानस आर वाइट वाई यू आर सेव नवर सीन एनी ब्लैक सोन इफ़ यू हैव सीन एनी ब्लैक स्वान तो आप ये कभी बिना कहते हैं कि ऑल स्वान्स आर व्हाइट ठीक है सो दिस इज समथिंग के आप यू यू आर ऑब्जरविंग द थिंग्स यू आर ऑब्जरविंग योर नेचर और आगे पीछे जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं यू आर कलेक्टिंग दो ऑब्जर्वेशन यूर इनक्लूडिंग समथिंग ठीक है और यू आर कलेक्टिंग ओनली दोज ऑब्जर्वेशन जो कि विच आर इन सपोर्ट ऑफ दैट कंक्लूजन so this is inductive deductive uh, methodology kya hoti it's a top down approach which means you have made any premises and these premises lead to some conclusion and it's an open ended it's, it's like general to specific you don't have to be or you don't have to prove anything right or wrong you need to deduce up infer you're just getting a result यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग अ फाइनल स्टेटमेंट और फेरी और लॉ ठीक है इसमें कोई फॉल्स और राइट स्टेटमेंट नहीं होती इसमें जस्ट स्टेटमेंट होती है वेर आज uh, जो इंडक्टिव है ना वो इट लीड्स टू द प्रोबल ट्रूथ ठीक है प्रॉबेबिलिटी है लेकिन डिडक्टिव में सर्टनिटी है बिकॉज इफ देयर इज अ प्रमिस एक दो प्रोमिसेज हैं इफ देर इफ वन इज राइट एंड द वन इज फॉल्स दैन द रिजल्टेंट वुड बी फॉल्स तो ये सर्टर्निटी की तरफ लेकर आ रहा है ठीक है इधर इट्स फॉल्स और राइट दो प्रोमिस दैट कैन प्रूव योर कंक्लूजन फॉल्स आप उसको रिमूव कर रहे हैं ठीक है आप उसको उसमें से डिडक्ट किए जा रहे हैं बिकॉज इट्स अ डिड्यूस you are deducing something so you're to deduce which is certain so what you are doing you're cut and dry to prove your conclusion positive so it's ye deduction mein it's a guaranteed truth तभी आगे जाके जब हम बात करते हैं तो ह्यूम भी कहते हैं कि इसमें हम because it's a deduction हम सिर्फ truth की तरफ ही जाएंगे तो we ये हमें certain truth हम actually में तो हम according to us we 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 are gaining that इट्स अ सेटन ट्रूथ एंड वी हैव टू प्रूव इट राइट इन एनी वे बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द एक्चुअल ट्रूथ क्योंकि हम इसमें उन चीज़ों को निग्लेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे कंक्लूजन को किसी भी तरह फॉल्स कर सकते हैं ठीक है वेर आज इंडक्शन में प्रॉबिलिटी है इट माइट बी राइट इट माइट बी रोंग सो so, वहाँ पे ये चीज़ आती है मेक रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड देन जनरलाइज रिपीटेड ऑब्जर्वेशन फिना टू प्रॉबेबल कंक्लूजन दैर इज एन इंडक्टिव सो ये हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव था इंडक्टिव में हमारे पास फर्दर दो फिलासफ़र्स आते हैं जिसमें बेकन एंड मिल है एंड डिडक्टिव में हमारे पास ज़्यादा स्टॉट लेंड रिकार्ड्स हैं ठीक है लेटर ऑन हम इनको जरा डिस्कस करेंगे बट अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं तो इंडक्टिव और डिडक्टिव आई होप इट्स क्लियर डिडक्टिव जो है वो फोकस्ड अप्रोच होती है बिकॉज हमने इन एनी वे हम जो भी है कंक्लूजन हमने राइट right ही लेकर आना है बट इंडक्टिव में ऐसा नहीं होता दट्स इट्स काइंड ऑफ अ फ्लेक्सीबल अप्रोच आपका जो कंक्लूजन है वो राइट right भी हो सकता है वो रॉन्ग भी हो सकता है ठीक है जबकि डिडक्टिव में ये ऑप्शन आपके पास ही होता अच्छा लेट्स टॉक अबाउट डायलैक्टिकल मैथड अब डायलैक्टिकल हमने जैसा सॉक्रेटिक मैथड को देखा तो सॉक्रेटिक मैथड वॉज ऑल्सो अ डायलैक्टिक मैथड बट उसमें कुछ लिमिटेशंस आती हैं वो लिमिटेशन क्या हैं जब हम आगे हेगल को भी देखेंगे तो हमें इसको ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बट सो फार इट्स जस्ट लाइक डायलैक्टिकल मैथड क्या है कि आप एक इट्स एक्चुअली अ नोशन कि जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना ऑपोजिट्स का इट क्रिएट्स एनी मूवमेंट या प्रोग्रेस अब कॉन्फ्लिक्ट ऑपोजिट्स uh, का कैसे आ रहा है आपने एक बात की एक प्रपोजल या आप कह लें कि एक पॉइंट है दो पॉइंट्स हैं ठीक है वन इज़ एक्स एंड वन इज़ वाई अब एक्स और वाई का जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना समाइम्स देर कम्स अ कॉन्फ्लिक्ट जब कोई जैसा सॉक्रटीज़ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते थे तो जब वो कहीं पे फंस जाते थे ठीक है जब हम उनको आगे से कोई क्लू नहीं आ रहा था कोई कॉन्फ्लिक्टिंग या कॉन्ट्रोडिक्ट्री कोई आंसर आ गया वो वहीं पे रुक जाते थे और वो जो प्रमिसेस था ना या जो आपका एक पॉइंट uh, होता था वो वहीं पे आके नल एंड वॉइड हो जाता था ठीक है ये सॉक्रेटिक मेथड था कि डायलॉग जिस तरह चल रहे हैं वहाँ पे आके इफ़ देयर कम्स कॉन्फ्लिक्ट इफ देयर कम्स एनी मिस अंडरस्टैंडिंग मिस अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहेंगे बट कोई कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे कोई इंटरसेक्शन कह लें तो वहाँ पे आके वो ख़त्म हो जाता था कि नाउ देर इज़ नो अदर वे टू गो देर इज़ नो अदर वे टू मूव फॉरवर्ड तो वहाँ पे वो आके पॉइंट ख़त्म हो जाता था तो बट इसको हेगल ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है नाइन्टीन सेंचुरी में तो इस तरह चलता था पुराना लाइक प्रीवियसली सॉक्रेटिस के टाइम पे इस तरह चलता था कि वेन देयर कम्स एनिंग कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे आके चीज़ ख़त्म हो जाती थी और नए सिरे से मज़ीद रिसर्च शुरू की जाती थी ठीक है उन प्रोमिस को ख़त्म कर दिया जाता था बट हेगल ने क्या किया हेगल ने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया है उन दोनों अपोज़िट्स में या उन दोनों पॉइंट्स में उन दोनों प्रॉब्लम्स में या उन दोनों प्रपोजल में प्रपोजल एक्स प्रपोजल वाई आप इनको ले के चल रहे हैं इनके इन पेसमशन बनाइए 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 ठीक है अब एक पॉइंट आया कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया ठीक है प्रोज एंड कॉन्स आ गए दोनों के अब इस पर आके कॉन्फ्लिक्ट आ, आ गया तो अब आपने चूज करना है ठीक है या आपको फर्दर आगे लेके जा रहे हैं या आपको यहाँ पर रोक नहीं रहे कि कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो नाव यू हैव जस्ट Ended it up here, और अब हम नेक्स्ट किसी पे काम करेंगे नहीं यहाँ पे अब आप, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आया है ना यू हैव टू चूज इधर एक्स और वाई या इनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज आएगा या फिर कोई न्यू अल्टरनेटिव होगा ठीक है विच विच ही नेम्ड एक्चुअली नॉर एग्जैक्टली ही नेम्डेड बट उसने जब हम नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको किस तरह लेते हैं कि एक थीस है उसका एक एंटी थीसिस बना है ठीक है जब इन दोनों एक थी और एंटी थीसिस में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो अब इसका फर्दर पॉइंट क्या बनेगा सिंथेसिस बनेगा ठीक है फिर सिंथेसिस के बाद उसका थीसिस और फिर सिंथेसिस तो इट एक्चुअली मेक्स अ चेन जो कि चलती जाती है जबकि पहले ऐसा नहीं होता था पहले उनको होता था कि इफ़ देस ए थीसिस डेर्स एंड एंटी थीसिस तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ख़त्म होगी बात यहाँ पे एंड हो गया सिंथेसिस वाला पार्ट नहीं होता था बट हेगल ने इस पार्ट को मजीद इस डायलेक्टिकल uh, मैथड को मजीद आगे जो है वो लेकर आए हैं ठीक है इसको इस तरह मॉडिफाई किया है नाउ कम कमिंग टू वर्ड्स द फिलेबलिस्टिक मैथड कार्ल पॉपर का ये थेरी है या आप कह लें कि ये उनका मैथड है अच्छा इसमें क्या है फिलिबिलिस्टिक क्या होता है कि इट इज़ अ सॉर ऑफ़ मैथडोलोजी जिसमें

और हम उन्हें कहते थे कि नाओ दे आर दे कैन बी लॉ एंड दे कैन नॉट बी प्रूवन रॉन्ग बट फिलबलिस्टिक मैथड में क्या है कि इसमें एक सेंस ऑफ डाउट डिवेलप किया गया है और इसमें बताया गया है कि देयर कैन बी देयर कैन नेवर बी एनी थेरी और व्यू या थीसेज या जो कुछ वे वी कैन वी कैन बी सर्टन दैट कैन बी सर्टन इट्स ऐसा कुछ है ही नहीं ठीक है दे कैन

कभी भी कभी भी कोई भी थेरी हो कोई भी प्रपोजिशन uh, हो कोई भी नॉलेज हो दैट कैन नेवर बी प्रूवन और जस्टिफाइड इन अ कंक्लूसिव वे ये कार्ल पॉपर की थेरी या उनका ये बिलीव था फेलेबलिज़म का आप वैसे भी देखें ना कि फेलेबल कौन होता है वन हु कैन मेक मिस्टेक्स और वन दैट दैट कुड बी रॉन्ग इनफेलेबल वो है जो कि कभी भी मिस्टेक्स नहीं कर सकता तो फेलेबल से आपको इसमें से आइडिया हो जाएगा कि फेलेबलिज्म थीरी या फेलेबलिस्टिक थेरी या फेलेबलिस्टिक मेथड जो है दैट मीन्स के कोई भी नॉलेज जो है ना वो चाहे एम्पेरिकल नॉलेज हो चाहे सिंथेटिक नॉलेज हो कुछ भी हो ठीक है दैट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली सर्टन उसमें फिर भी कोई ना कोई चांसेस रह जाएंगे सर्टिनिटी के या उसके रॉन्ग होने के उसके फॉल्स होने के ठीक है तो ये फैलेबल या फैलेबलिस्टिक अप्रोच कहती है कि कभी भी एम्पेरिकल नॉलेज भी जो है वो हंड्रेड एंड टेन परसेंट सर्टन नहीं हो सकता देयर मस्ट बी अ चांस ऑफ एनी डाउट और मे बी इट कुड बी रॉन्ग उसमें बहुत सारे कंसर्न हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एम्पेरिसम की बात करते हैं एम्पेरिकल नॉलेज सेंसेशन का प्रॉब्लम आ सकता है ठीक है इंडक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है तो देर कुड बी एनी रीज़न जिसकी वजह से वो फॉल्स कंसिडर हो सकती है सो so, ये फेलेबलिज्म था अच्छा यहाँ पे अब हमारे फिलोसॉफिकल मेथड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं अगर अब अब अग, अगर आप इस तरह अप्रोच को लेके चलते हैं ना कि पहले आपने मेथड समझ लिए कि मेथड्स हैं क्या ठीक है नाउ यू गॉट सोक्रेटिक मेथड क्या होता है नाउ यू अंडरस्टैंड इंडक्टिव मेथड क्या है नाउ यू अंडरस्टैंड डिडक्टिव क्या है डायलैक्टिकल क्या है फेलोबलिस्टिक क्या है ठीक है जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग है ना उसके बाद जब आप इनके फिलोसफर्स पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लरिफिकेशन हो जाएगी ठीक है अच्छा नेक्स्ट इसमें आ जाता है अपिस्टमोलॉजी अपिस्टोमोलॉजी कहते कि इसको पहले हमने ये देखना है अपिस्टोमोलॉजी कहते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज को ठीक है जब हम थियोरी ऑफ नॉलेज की बात करेंगे विच मीन्स अपिस्टोमोलोलोलॉजी अच्छा समटाइम्स क्वेश्चन में ना आपको हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अपिस्टोमोलॉजी का वर्ड लिखा हुआ है हमारे सब कोर्सेज में सब हेडिंग्स में ना हो, हो सकता है कभी कभी ऐसे भी के आपको एज इट इज़ एपिस्टोमोलोजी का वर्ड ना मिले वहाँ पे आपको हो सकता है थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में बात करने को कहा, कहा कहा जाए तो डोंट बी कन्फ्यूज इट्स मोर देन इट्स इट्स जस्ट अ सिमिलर वर्ड अपिस्टोमोलॉजी का जब हमने वहाँ पे थ्योरी ऑफ नॉलेज लिख दिया तो विच मीन्स कि ये उसका मीनिंग उन्होंने लिख दिया है ठीक है तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए सो दैट आपको वहाँ पे जाके पेपर में कन्फ्यूजन ना हो सो ए इज एक्चुअली द थ्योरी ऑफ नॉलेज ठीक है इसमें फर्दर आपके पास चार चीज़ें आती हैं रैशनलिज्म एम्पेसिज्म ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड इंट्यूशनिज्म अच्छा आप देखें ये सारी चीज़ें जो है माइंड से ही कंसिडर होती हैं ठीक है माइंड के ऊपर नीचे ना नॉलेज है तो नॉलेज अब ये अब अच्छा एक और चीज़ आप देखिएगा थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात करें ना थ्योरी ऑफ नॉलेज को attain karne ke kaun kaun se tarike hain. Thikai? Now you can understand it in, in a more easy way. Ke epistemology is the theory of knowledge and to acquire the knowledge, there are four methods which are rationalism, empiricism, transcendentalism and intuitionism. Through all these four methods or uh, factors or ways you can attain the knowledge ठीक है तो now you can get it के knowledge की जब हम बात करें तो इसमें हमारे पास ये चार चीज़ें आएंगी this is how we can acquire knowledge अच्छा rationalism की बात करते हैं तो rationalism में kind of a, they are the people who actually think के जो knowledge है true knowledge we can attain this true knowledge via uh, इेट नॉलेज या जो है ना रैशनल रैशनल क्या माइंड से होता है ठीक है तो इट्स लाइक like जो हमें ट्रू नॉलेज मिलता है ना वो हमें अपने माइंड से और हमें जो है जब हम बच्चा कोई पैदा होता है ना तो ये हमें उस टाइम पे मिलता है ठीक है रियलिटी जो है ना वो इनहेरेंट है जब हम इनहेरेंट की बात करते हैं दैट इज़ रैशनल ठीक है वो कहते हैं ना कि रैशनल के मतलब एक तरीका जो कि एक्सेप्टेबल है जो कि अकल वालों के लिए अंडरस्टूड सी बात है सो इट रिगार्ड्स रीजन एज द चीफ सोर्स रीज़न ठीक है रैशनलिज्म के रीज़न कि आप रीज़न की बात करें लॉजिक की बात करें आप आय बाएं शायना मारें तो क्या है कि इट रिगार्ड्स रीज़न एज द चीफ सोर्स रैशनलिस्ट क्या मानते हैं रीजन को अक्ल को और रीज़न कहाँ से आती है डेफिनेटली माइंड से आती है एंड टेस्ट ऑफ नॉलेज ठीक है और एनी व्यू अपीलिंग टू रीजन एज द सोर्स ऑफ नॉलेज और जो चीज़ आपकी रीजन को जस्टिफाई कर सकती है ठीक है वही आपका रैशनलिज्म है आपको जो आपकी अकल नहीं समझ रही ना वो आपका रैशनलिज्म में नहीं आ रहा अब एम्पेरसिस्ट क्या बोलते हैं रैशनल ने है कह दिया कि हमारा जो भी नॉलेज uh, है वो वे रीजन से एम्पेरिस बोलते हैं कि हमारा जो नॉलेज आ रहा है वो सेंसेशन से सेंसेस से आ रहा है ठीक है हमें एक्सपीरियंस जो हम करें एक्सपीरियंस हम कैसे करें हम सेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं है. और सेंसेस के हमारी जो फाइव सेंसेस हैं हम उनसे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारा ट्रू नॉलेज है बिकॉज हम उसे कहते हैं कि लाइफ टाइम हमारा रियल टाइम हमें नॉलेज मिल रहा है तो हाउ कैन वी स रीजन से वो चीज़ हो रही है ठीक है रैशनलिस्ट जो है वो इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं जबकि इम्पेरसिस्ट इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करते ठीक है रैशनलिस्ट जो है दे कैन क्लेम एंड दे यूज टू क्लेम कि जो इंडिविजुअल है उसके पास एक इनेट नॉलेज सो एम्पेरसिज्म जो है उसमें हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की एक्सपीरियंस वाया सेंसेस वेयर आज रैशनलिज्म में हम बात करते हैं रीजन की ठीक है तो एपिस्टेमोलॉजी so, में ये दो मेन चीज़ें अच्छा हमारे पास जो क्वेश्चन है ना समाइम्स वो इनके कंपैरिजन में भी आ जाता है कि आप इन दोनों का डिफरेंस लिखें रैशनलिज्म और एमपेरिसज आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो उसमें कहीं पे ये भी मेंशन है कि एम्पेसिज़म और रैशनलिज्म का आप डिफरेंस लिखें तो वो आपको टेन मार्क्स का क्वेश्चन ये शॉर्ट में आ जाता है इनकेस अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो टेन टेन मार्क्स के आते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं वो तो इस तरह ही होता है ठीक है तो रैशनलिज्म हमें समझ में आ गया कि वो रीज़न बेस्ड है और रैशनलिज्म में हमारे पास जो फिलोसोफर्स आते हैं वो हमारे पास एक आ जाते हैं प्लेटो हैं हैं स्पिनोजा हैं ये सब रीज़न पे बात करते हैं ये रीज़न के बगैर नॉलेज को समझते हैं नहीं हैं दे फील लाइक कि इफ़ दे देर इज़ नो रीज़न वी कैन नॉट अटेन एनी नॉलेज और प्लेटो की तो आपको पता है कि वो एलिग्री ऑफ द केव की बात करते हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं विच आर इन जो हमारे माइंड में ऑलरेडी बनी हुई हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ और पर्टिकुलर्स की बात करते हैं ठीक है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल्स एंड पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स आर दोज थिंग्स जो कि हमें यहाँ पर रियल लाइफ में नजर आ रही हैं बट हमें वो कैसे पता लग रहा है घोड़ा घोड़ा कैसे पता लग रहा है कि घोड़े की एक चीज़ यूनिवर्सल उसके एक शेप है हमारे माइंड में एंड दिस इज समथिंग वी ऑल नो बाई बर्थ तो हमें हम, हमें सब चीज़ें पता हैं वे एम्पेरिसिजम की जब हम बात करते हैं तो जॉन लॉक इसको कहते हैं एम्पेरिसम में लॉक आते हैं बर्कले आते हैं ह्यूम आते हैं ठीक है ये तीन फिलोसफर्स हैं एम्पेसिस्ट हैं इसमें लॉक कहते हैं कि जी हमें तो कुछ भी नहीं पता होता जब एक बच्चा पैदा होता है टैबल अराजा होता है वि मीन्स इट्स अ ब्लैंक स्लेट उसके उस पर आप दुनिया में जो कुछ भी लिखेंगे वो जो कुछ भी एक्सपीरियंस करेगा दिस इज द रियल नॉलेज एंड दिस इज द नॉलेज हु ही अटेन्स वाई एक्सपीरियंसिस और एक्सपीरियंस भी वो कैसे सेंसेशनस के साथ कर रहा है परसपशंस उसकी हो रही हैं परसेप्शन कैसे ये सारी चीज़ें जो है उसको एक्सपीरियंस से मिल रही हैं सेंस कर रहा है वो चीज़ों को वो छू रहा है वो सूंघ रहा है वो देख रहा है वो सुन रहा है वो चख रहा है ये सारी जो सेंसेस हैं इससे वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजेंडेंटलिज़म कांट की ये फेरी है और इन्हें लगता है कि ट्रांजेंडेंटल ट्रांसेंडेंटलिज्म से नॉलेज जो है वो एक्वायर किया जा सकता है इट्स एक्चुअली अ फिलोसॉफिकल मेथड जो कि इमानुल कान्ड ने बनाया था इन एटीनथ सेंचुरी एंड इन इस पे इनके जो इन, किताब है या जो इनका कम्पाइलेशन ऑफ वर्क है उसका नाम है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। ट्रांसेंडेंटलिज्म का ये मतलब है कि ट्रांसेंडेंट होता है इट्स लाइक सुपर नैचुरल काइंड जो कि बियॉन्ड और इमेजिनेशन है विच इज़ स्परिचुअल ठीक है तो इसमें उनकी ये बात थी कि जो हमें सेंसरी uh, नॉलेज मिलता है ठीक uh, है ये इसमें ट्रांसेंडेंटलिज्म है कारण जो है ये मिक्स बात करें रैशनलिज्म और एम्पेसिजम का मिक्सचर बता बता रहे हैं विच मींस के हम नॉलेज सेंसरी जो नॉलेज एक्वायर uh, करते हैं उसको जब तक हम प्रोसेस नहीं करते उस सेंसरी एविडेंस को माइंड में तब तक हमें नॉलेज ट्रू नॉलेज नहीं मिलता ठीक है सो दिस इज़ हाउ वी एक्वायर द नॉलेज जो हमें कंसिडरेशन होती है जो हमारी सेंसरी एविडेंस हैं एंड रिक्वायर्स दैट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड इनइट मोड्स ऑफ प्रोसेसिंग दैट सेंसरी एविडेंस जो हमें सेंसरी एविडेंस मिला है वो हम इनट मोड्स में प्रोसेस करते हैं माइंड में एंड देन वी गेट द नॉलेज वट वी यूज टू गेट अच्छा इसमें अब इनकी दो चार बातें भी थी इसमें फ़िनिना uh, न्योमिना की बात की है फ़िनिना इज़ द वन वेयर वी आर लिविंग हमें जिसकी नॉलेज है हमें जिसकी अंडरस्टैंडिंग है जो हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस है या एविडेंस जो इट है दैट्स अनदर थिंग बट जो हमें इमेजिनेशन है जो हमें ख़ुद से पता है हमें अब हमारी प्रेजेंस हमें हमारी सराउंडिंग्स की प्रेजेंस दैट्स द फिनल वर्ल्ड ठीक है देन देयर इज अनदर वर्ल्ड जिसकी हमें नॉलेज नहीं है जो वी वी के नॉट इवन

सो so, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हमें तो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उसकी है जिसका हमारे पास कोई थोड़ा बहुत एनेट नॉलेज है या जिसको हमें एक्सपीरियंस करते हैं इवन इट्स लाइक स्पेस और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ समथिंग जो ये कहते हैं कि इसकी हमें एक अंडरस्टैंडिंग uh, हमें ऑलरेडी है ह्यूमन इंट्यूशन में है ठीक है इट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाई आर ओन फैकल्टी ऑफ सेंसिबिलिटी हमें खुद इसकी सेंस है ठीक है हमें कोई कहीं बाहर से इसकी समझ में नहीं है हमें ऑलरेडी इसकी स्पेस और टाइम की सेंस है सो दीज आर दीज थिंग कम्स अंडर फेनोमेना जब हम न्यूमेना की बात करते हैं तो दैट्स एन एक्सटर्नल वर्ल्ड उसकी हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं है इन्होंने एक और चीज़ कराई विच इज़ इन्होंने जो एक टर्म नॉर्मली तो हम कहते हैं ना कि ए प्रायोरी इज द वन विच इज़ रैशनल विच इज़ वी कैन बिफोर एक्सपीरियंस वी कैन गेट वट वी हैव इन आवर माइंड इन आर रीज़न विच इज़ ए प्रारी एंड ए पोस्टरियोरी इज द वन विच वी कैन एक्सपीरियंस ठीक है पास्ट में जो लाइक like, पोस्ट जो होता है so that's a posteriori. अच्छा तो अब तीन तरह से इन्होंने बताया कि नॉलेज वी कैन एक्वायर वन इज़ लाइक एक तो होता है analysis जो हम करते हैं ठीक है ठीके? वो होता है एनालिटिकल नॉलेज और एक है सिंथेटिक एनालिटिकल नॉलेज में भी फर्दर ए um, प्रायोरी और ए पोस्टरी अच्छा वेन वी टॉक अबाउट एनालिटिकल ए प्रायोरी ठीक है एनालिसिस दैट कम्सर लॉजिकल अबाउट एनालिटिकल ए और एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस दैट कम्सर हाइपोथिस इन इसमें हम हाइपोथेसिस को जेनरेट करते हैं ठीक है When यू टॉक अबाउट अच्छा a में जब बात करें तो इसकी एग्जाम्पल ये कि ऑल बैचलर्स मैरिड आर अनमैरिड ऑल स्क्स है प्रयोरी ठीक है प्रेडिकेट है इन सब्जेक्ट ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड सो वी नो बैचलर्स आर अन मैरिड विद नो जो है वो सब्जेक्ट में अवेलेबल है वेन यू टॉक अबाउट जो जब हम बात करते हैं सिंथेटिक ए पोस्टेरियोरी की अब हम यहाँ पर बात करें सिंथेटिक ए पोस्टोरी की इट्स एम्पेरिकल ठीक है सिंथेटिक है और ए पोस्टेरियोरी है तो एम्पेरिकल आ रहा है क्योंकि ए पोस्टोरी भी हमें सेंस से पता लग रहा है और सिंथेटिक भी हम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हमें नहीं पता लग रहा है तो इट कम्स अंडर एम्पेरिकल कि हम जो भी चीज़ करें हम एम्पेरिकल नॉलेज गेन करें फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ रेनिंग

सिंथेटिक ए प्रारी को जो बताया गया है वो कांट uh, ने बताया है ठीक है सिंथेटिक में क्या है कि आप इसको एक्सपीरियंस करें ए प्रारी इज़ इन एट नॉलेज आप बिफोर एक्सपीरियंस यूर गेनिंग या इन एट नॉलेज या तो यहाँ पे ये यह बात करते हैं कांट अपनी ट्रांसेंडेंटलिज्म uh, की सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसेंडेंटलिज्म इंट्यूशनिज्म की हम बात करें तो इंट्यूशन को जैसे हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी इंट्यूटिवली हमें पता होती हैं ठीक है हमें पता था ये चीज़ गलत होनी हमें पता था कि वो जो होता है ना सिक गट फीलिंग दिस इज इंट्यूशन ठीक है तो इट इज़ द फिलोसॉफिकल थीरी दैट बेसिक ट्रूथ्स आर नोन इंट्यूटिवली बेसिक ट्रूथ्स के अच्छा कोई भी कोई भी बात हम करें तो वी नो इंट्यूटिवली कि हाँ यही होना था ये, बेसिक ट्रूथ्स में यही हो यही चीज होगी सो बेसिकली योर इंट्यूशन नोज समथिंग बिकॉज इट इज ट्रू ठीक है यूनिवर्सली ऑब्जेक्टिवली ट्रू इसके हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहीं जाते हैं किसी कॉफ़ी शॉप ये ना ना भी कहीं जाएं चलें खैर नहीं जाते हम कहीं हम हमें पता है कि इफ़ एनी पॉट इज़ हॉट ठीक है अगर वो स्टोव पे पड़ा हुआ है वो गर्म है इफ़ वी कैन टच इट वो हमें हॉट फील होगा हमें बर्न करेगा इट्स समथिंग बेसिक अब हमें उसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ इफ़ वी वी ट्राई ट्राइड हम एक्सपीरियंस करें तो हमें नहीं हमें ये इंट्यूटिवली हमें पता है कि गर्म चीज़ है तो हमें जो है वो गर्म ही लगेगी ठंडी चीज़ है तो हमें ठंडी ही लगेगी ठीक है अगर कोई किसी चीज़ से हमें दुख हो रहा है तो हमें पता है कि ये चीज़ हमें किसी की डेथ या हमें किसी की पैदाइश खुशी और ग़मी देती है तो ये इंट्यूटिवली हमें पता है कि हमने इस बात पर हँसना हमने इस बात पर रोना है ठीक है ये चीज़ हमें इंट्यूटिवली पता है सो दिस इज इंट्यूशनिज्म इससे हम कुछ बेसिक ट्रूथ्स और नॉलेज हम गेन करते हैं अब हम आते हैं ओंटोलॉजी की तरफ ओंटोलॉजी क्या होती है अपिस्टमोलॉजी तो थेरी ऑफ नॉलेज थी ठीक है ओंटोलॉजी है इट्स द ब्रांच ऑफ फिलासफी दैट स्टर इज कॉन्सेप्ट सच इज एग्जिस्टेंस बींग बिकमिंग एंड रियालिटी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट जो फील्ड डिस्कस करती है दर इज कॉल्ड एंटोलॉजी इसमें फोड़ी हमारे पास आइडियलिज्म आता है रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म आता है एंड हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी आता है ठीक है इसमें तीन चीज़ें हैं अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि आइडियलिज्म क्या होता है आइडियलिज्म इज समथिंग अबाउट या आप कह लें कि इट इज़ एन आइडियोलॉजी और सेट ऑफ़ बिलीव जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें जो कुछ भी समझ में आ रहा है दैट्स नॉट पेस्टम पस्टमिक जिसमें हमें कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा ठीक है आइडियलिज्म क्या है व्हाट्स इन आवर माइंड ये हमारा आइडियल था जब हम कहते हैं ना कि दैट पर्सनैलिटी इज़ आर आइडियल वो क्या है वो हमारे माइंड में है हमने कभी इसको देखा नहीं है हमने कभी उसको महसूस नहीं किया बट हमारे माइंड में वो चीज़ है दैट इज़ वाई वी कैन से दैट दिस इज़ आर आइडियल ठीक है और इस पर हमने जो आ, हमारे पास जो फिलोसोफर्स हैं वो प्लेटो हैं सोकर भी बात इस पर करते हैं पर जब हम लाइक एरोस्टोटल प्लेटो से बहुत मुख्तलिफ थे वो काफ़ी चीज़ों पर कॉन्फ्लिक करते थे उनसे कॉन्ट्रोडिक्ट्री थे उनसे ठीक है वो अपोजिट कोई ना कोई बात करते थे सो तो, लेकिन आइडियलिजम क्या है कि आइडियलिज्म इस कोई कह सकते हैं कि ये बहुत ईजी चीज़ है जो हम नॉर्मली भी डे टू डे में देखते हैं कि जी आइडियलिजम क्या है कि हमारे माइंड में कोई पिक्चर बनी हुई है हम अपने माइंड से जो, जो सोच रहे हैं सो दिस इज़ आइडियलिज्म अभी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म क्या आता है कि रियलिज्म जो चीज़ रियल है जो रियली really एग्जिस्ट करती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है उसकी रिप्रेजेंटेशन ठीक है फॉर एग्जांपल ये इसमें हमारे पास जॉन लॉक वगैरह ही आएंगे उन्हीं की बात होगी कि जॉन लॉक ने ही बात की हुई थी रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म में के एक चीज़ जो हम खुद से देख रहे हैं अब हम देख रहे हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हमें देखेगी ना जो चीज़ हम देख ही नहीं रहे उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देख सकते हैं ठीक है तो रियल क्या है वट इज़ रिप्रेजेंटेटिव बाय आर आईज जो कि हमें अपनी आंखों से दिख रहा है दैट इज़ रियल ठीक है अब इसमें दो तरह के नई रियलिज्म भी है जो बिल्कुल ही वो जो है ना रिप्रजेंट रिप्रजेंटेशन पे बात नहीं करते जो बिल्कुल डायरेक्ट रियलिज्म पे बात करते हैं दे आर समथिंग एल्स और रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म जो है उसमें हम हमारे पास जो है ये चीज़ें आ जाती हैं कि हम एक चीज़ को देख रहे हैं फिर उसको परसीवर है वो उस चीज़ को परसीव कर रहा है फिर उसके माइंड में वो चीज़ आ रही है तो उसको एक पिक्चर दिख रही है सो दिस इज़ रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म जो है ना या जो रियलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं ये uh, कह देते हैं कि जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है ना वो उसको डिनाई करते हैं कि हमें ऐसे नहीं हो सकता कि uh, जो हम देख रहे हैं वो हमें एज इट इज़ नज़र आ रहा है लाइक जिस तरह डायरेक्ट रियलिस्ट बोलते हैं या नई रियलिज्म जो बोलते हैं इट्स काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशनल की बात करें तो इट्स इन इनडायरेक्ट रियलिज्म कि हमें किसी ना किसी सोर्स के थ्रू वो चीज़ नज़र आ रही है ठीक uh, है इट्स सेंस नॉलेज इज ऑलवेज वाई सम मीन्स वो मीन्स क्या हैं इंस्टेड दैट आर आइडियाज़ ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरप्रिटेन्स ऑफ सेंसरी इनपुट जो भी हम um, देख रहे हैं सेंस कर रहे हैं दैर आर द इंटरप्रेसरी इनपुट विच आर डिराव फ्राम एन एक्सटर्नल वर्ल्ड दर इज़ रियल एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल है वो उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड को रियल मानते हैं ठीक है थीके? उसको इंटरप्रेट करें वाया सेंसरी इनपुट एंड देन हमें वो चीज़ किसी ना किसी फॉर्म में नजर आ रही है विच होल ओनली आइडियाज आर रियल बट माइंड इंडिपेंडेंट थिंग्स आर नॉट ठीक है सो दिस इज वर्ट लाइक हम क्या कह रहे हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल है रिप्रजेंटेटिव रियलिज्म है एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल है हम उसको किसी ना किसी चीज़ से सेंस करें एंड देन उसको इंटरप्रेट करें सो दिस इज हाउ द रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशनल रियलिज्म वर्क्स नेक्स्ट कम हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म दीस आर द डॉक्ट्रेंस एंड फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री एंड एंड मेराफेजिक्स हिस्टोरिकल कम्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड डायलेक्टिकल कम्स फ्रॉम मेटाफिजिक्स तो ये मार्क्सिस मार्क्सिस थीरी से डिराइव्ड है या आप कह लें कि दिस इज द मार्क्सिस कॉन्सेप्ट दिस इज द कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट इसमें वो क्या बात करते हैं इसमें ही टॉक्स अबाउट एक्चुअली हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ठीक है बट ही एक्चुअली डुप्लीकेट और यू कैन से मेनिपुलेट डाइलेक्टिकल मटेरियलिज्म फ्रॉम हेगल के जिस तरह उन्होंने कहा कि वन देर इज अस एंटीथीसिस एंड सिंथिस ठीक है एक तरफ थीसिस आया उसके अपोजिट में एंटीथीसिस आया उन दोनों को कंबाइन करके हमने उनमें जो कॉन्ट्रोडिक कॉन्ट्रोडिक्शन थी जो कॉन्फ्लिक्स थे उनसे हमने एक बना लिया सिंथिस यहाँ पे ये इसको इस तरह बात करते हैं कि उस चीज को लेकर के जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है अब देखें कैपिटलिज्म में या वर्किंग क्लास में और बॉर्जर क्लास में ये प्रोलीटेट क्लास में बॉर्जर क्लास में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो अब ये कह रहे हैं कि जी उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके फर्दर हमें कोई ना कोई अप्रोच तो लेके चलनी है ना ये तो नहीं है कि एक तरफ आपके कम्युनिज्म एक तरफ आपकी कैपिटलिज्म आ रही है एक तरफ कम्युनिज़म आ रही है तो बस दोनों ख़त्म हो गए नहीं जैसा नॉर्मली एक हाई अपर क्लास आ रही है एक लोअर क्लास आ रही है इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है तो सोल्यूशन वो निकालते हैं कम्युनिज्म से ठीक है कि यहाँ पे अब हम बात करेंगे जिस तरह हमने बात की कि डायलैक्टिकल में बात होती है थीसिस, थीसिस सिंथेसिस की इसी तरह कार्ल मार्क्स ने अपना एक आप कह लें कि हिस्टोरिकल डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म बनाया है जिसमें उन्होंने स्टार्ट लिया पेट्रिकन से फिर प्लेबियन आते हैं फिर फ्यूडल लॉर्ड आते हैं फिर मेमोरियल सर्फ आते हैं फिर बोर्जो कैपिटलिस्ट आते हैं फिर प्रोलीटेरियन वर्कर्स आते हैं और यहाँ पे आके कर रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है टूवर्ड्स कम्युनिज्म तो देखें पीछे से वो एक चेन चलती आ रही है अब ये चेन में कॉन्फ्लिक्ट्स थे लेकिन वो रुकी नहीं है कहीं पे कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ गए तो रुक गया जैसा सोक्रेटिक मेथड में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था तो रुक जाती थी बात वहाँ पर प्रोपोजिशन जो है वो फ्लॉप हो जाता था नई प्रोपोजिशन से स्टार्ट करना पड़ता था उसको हेगल ने फर्दर लेके चले कि भाई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है अब उस कॉन्फ्लिक्ट से हमने कुछ नया सीखना है कुछ नया ड्राइव करना है ठीक है एक्सक्यूज़ मी इसी तरह मार्क्सिज्म में भी है कि इन क्लासेस में अब वहाँ पे डायलैक्टिक की, की बात हुई थी मेटाफिज़िक्स की बात हो रही थी यहाँ पे हम बात करें हिस्ट्री की हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल uh, की ठीक है चीज़ वही चल रही है कि आपने सेंथिसिस एंटिसिस बनाना लेकिन किस बेसिस पे हिस्टोरिकल बेसिस पे हिस्ट्री में क्या चीज़ें चल रही हैं शुरू कहाँ से ये चीज़ें हुई हैं क्लासेस क्लास स्ट्रगल की बात हो रही है हिस्ट्री में हमारे पास क्लासेस आ रही है ना इकोनॉमिक क्लासेस डिफरेंसेस आ रहे हैं तो इन पॉइंट्स पे हमने ये एक डायलैक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बना दियाड्स लीड्स वर्ड्स कम्यूनिजम तो ये एक कार्ल मार्क्स का प्रॉपर फिनमिना चली आ रहा था ठीक है अच्छा फार so हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया है जो हमारे पास तीन मेन इनके कोर्स में हमारे पास टॉपिक्स थे वन इज़ फिलोसॉफिकल मेथड एक अब मैं जल्दी से रैपअप कर दूँ चीज़ों को फिलोसॉफिकल मेथड था उसमें हमने पांच मेथड्स पढ़े हैं एक एक method को मेथड को डिफ़ाइन किया उसको हमने समझा वो है क्या नेक्स्ट हम इसके फिलोसफर वाइज भी हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे ठीक है फिर अपेस्टोमोलॉजी हमने पढ़ी पेस्टोमोलॉजी हमारे पास चार आ, जो है हमारे पास आ, आते हैं मजीद हमारे पास सब हेडिंग्स आती हैं या उसकी टाइप्स आती हैं पेस्टोमोलॉजी की ठीक है हाउ वी कैन एक्वायर द नॉलेज अपेस्टोमोजी इज थेरी ऑफ नॉलेज ठीक है वो चीज़ें आती हैं वो हमने पढ़ी एक एक करके उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग ली क्योंकि इनपे भी क्वेश्चन आ सकता है जब आपको मैथड ही नहीं पता कि मैथड क्या है तो आप उनके फ़िलासफ़र्स को पढ़ के क्या कर लेंगे इसलिए फिलॉसफी को पढ़ने से पहले आपने छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी हैं इट कंज़्यूम्स योर टाइम लेकिन फॉर योर फॉर योर गुड यह आपका टाइम वेस्ट नहीं करा या आपका टाइम यूटिलाइज़ करा है कल को आपको यही चीज़ें काम आएँगी <coughs> फिर ऑनटोलॉजी आगे विच इज़ अबाउट रियालिटी ठीक है आइडियलिजम रिप्रजेंटेटिव रियलिज्म और मटेरियलज़म ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसको हम फर्दर आगे देखेंगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं एक्चुअली ये बेट बिजी इन वर्क इसलिए मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिलता कि मैं कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूँ सो so, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इनशाला तला आप लोगों की हेल्प करती रहूँगी अच्छा फिर से बता दूँ पेपर को तैयार करने का तरीका क्या है ठीक है पेपर को तैयार करने का तरीका यही है सिलेबस पहले तो देखें थोड़ो पढ़ें सिलेबस को एक एक चीज पढ़ें फिर उसके बाद पास्ट पेपर्स देखें उसमें सवाल देखें सवाल आपको आसान लग रहे हैं आपको लग रहा है कि ये चीज़ें कहीं है? आपने प्रीवियस पढ़ी नहीं है या कोई कभी कुछ समझ में आ रहा है कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है इजी लैंग्वेज है या नहीं है ये देखें और फिर आपने एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंगली सर्च शुरू कर देनी ठीक है पहले तो मैथड्स आप देखें कि मैथड्स क्या हैं अब सॉक्रेटिक मैथड है ना सॉक्रेटीज़ को पढ़ें थारो पढ़ें सॉक्रेटीज़ क्या था कहाँ से आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कहाँ से आपको राइटिंग मिल रही है कहाँ से उसके मैथड्स क्या हैं उसके टीचिंग्स क्या हैं ठीक है थीके? फिर आप इंडक्टिव मेथड को देखिए उसमें अबाउट अब और मिल डू नॉट गो इन टू मिल फर्स्टली स्टडी इंडक्टिव मैथड वट इज़ इंडक्टिव मैथड उसको दस आर्टिकल्स पढ़ें उसके ठीक है दस जगहों से उसको देखें जहाँ से आसान लगता है वो डेटा उठाएं चाहें तो नोट्स बना लें नेक्स्ट टाइम आई एम गोना शो यू माय नोट्स ठीक है इसको मैंने मैंने किस तरह क्या ऑल द इट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू बट चलें मैं आपको दिखा दूंगी कि हाउ आई यूज टू स्टडी जब मैंने अप्लाई किया था तो अच्छा अभी क्या करना है कि इंडक्टिव मेथड को अपने पढ़ना है ठीक है सिर्फ इंडक्टिव मेथड को पढ़ना है मेथड्स <clears throat> अभी सब पढ़ने हैं कि इन मैथड को इनको कहीं ना कहीं नोट डाउन करें वर्ड पे लिख लें वर्ड पे कॉपी पेस्ट कर लें पेपर पे लिख लें कॉपी पेंसिल पे जिस तरह आपको इजी लगता है वो करें उसके बाद आपको बल्कि आपने पहले सारे मेथड्स जैसा मैंने आपको पढ़ाया ना इस तरह पहले आपने सारे मेथड्स देख लेना उसके बाद आपने फिलोसोफर्स की तरफ जाना है क्योंकि आपको जब तक मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा फिलोसोफर को पढ़ की कोई फ़ायदा नहीं है आपको कभी भी ये समझ नहीं आएगा तो समझने के लिए और आसान अल्फाज में समझने के लिए पहले आप इन सब मेथड्स की इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को समझें उसके बाद आप जाएँ जो है फिलोसोफर्स को उनकी फिर इन डिटेल और इन डेप्थ स्टडी करें ठीक है आई होप जितना मैंने थोड़ा बहुत आपको एक ओवरव्यू दिया है आई होप इट वुड भी हेल्प फुर यू अगर कोई और क्वेश्चन हो कोई और प्रॉब्लम हो तो डू आस्क मी एनी टाइम थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे